नमस्कार, न्यूज़लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। जहां एक और सांसद देश की जनता से एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी छोड़ने के लिए कहते हैं, वहीं वो अपनी सैलरी और भत्तों में बेतहाशा इजाफा करा लेना चाहते हैं। संसद की एक संयुक्त समिति ने केंद्र सरकार से ऐसी सिफारिशें की हैं जिससे लगता है कि हर महीने कई भत्तों समेत 50,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले सांसदों का इतने में गुजारा करना मुश्किल है। जहां संसद की एक संयुक्त समिति ने केंद्र सरकार के सामने सांसदों के वेतन बढ़ोतरी के लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा है और इसके तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन आयोग की तरह ही सांसदों के वेतन में भी समय समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसी के साथ संयुक्त समिति ने और किन किन मुद्दों पर सरकार से सिफारिश की है ये जानने की कोशिश की हमने। इसी पर हमने तैयार की एक खास रिपोर्ट। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को हर महीने मिलने वाली 50,000 की रकम किसी ओहदेदार अफसर की तनख्वाह से कम नहीं है, लेकिन संसद की एक संयुक्त समिति ने केंद्र सरकार के सामने ऐसी सिफारिशें की हैं, जिससे लगता है सांसदों को मौजूदा समय में मिलने वाला वेतन नाकाफी है। इस समिति ने सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त समिति ने मांग की है कि दोनों ही सदनों के सांसदों का वेतन दोगुना कर दिया जाए और पूर्व सांसदों की पेंशन में 75% का इजाफा किया जाए। आपको बता दें कि इस समय सांसदों का वेतन 50,000 रुपए प्रति माह है और सांसदों को मिलने वाले दूसरे भत्तों को जोड़ने पर उनका वेतन सालाना लाखों में पहुंचता है। लेकिन कुछ समय पहले ये जानकारी सामने आई थी कि सांसदों को आज की तारीख में सभी भत्ते मिलाकर हर महीने 1,40,000 रुपए मासिक वेतन मिलते हैं। समिति ने यह भी कहा है कि सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने के लिए सांसदों को हर रोज मिलने वाले 2,000 रुपए के भत्ते में भी उचित बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही संसदीय समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि पूर्व सांसदों को एक साल में 20 से 25 मुफ्त घरेलू हवाई यात्राएं करने की छूट मिलनी चाहिए और भूतपूर्व सांसदों की पेंशन हर महीने 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी जानी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि संसद की संयुक्त समिति ने सरकार के सामने कौन कौन से अहम मुद्दों पर अपना प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों की सैलरी 100% बढ़ाई जाए, पेंशन में 75% इजाफा होना चाहिए, पार्लियामेंट सेशन भत्ते में इजाफा होना चाहिए, 20 से 25 मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा मिलनी चाहिए, सांसद के सहयोगियों को भी एसी फर्स्ट क्लास रेलवे पास मिलना चाहिए, सांसदों को पॉकेट मनी के रूप में भी कुछ राशि मिलनी चाहिए, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत मिले लाभ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस संयुक्त समिति ने सरकार के सामने करीब 60 बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें पेश की हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या चाहते हैं सांसद। माना जा रहा है कि अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो सभी भत्तों को मिलाकर सांसदों का सालाना वेतन 57 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त समिति को ऐसे समय ही ये प्रस्ताव देने की क्या जरूरत पड़ी, जब सांसद खुद जनता से एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। अब सरकार इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो देखा इस रिपोर्ट में आपने कि आखिर सांसद क्या चाहते हैं। सांसद चाहते हैं कि उनकी पेंशन बढ़ जाए, सांसद चाहते हैं कि उनके भत्ते में इजाफा हो, वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएं, वो चाहते हैं कि उन्हें हर वो सुख सुविधा मिले जो कहीं ना कहीं बहुत ही उच्च श्रेणी में आता है। लेकिन क्या ये संभव है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये कितना उचित है और कितना अनुचित इसकी भी चर्चा करेंगे। हम स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं परिचय करा देती हूँ। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव निगम, नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं।
प्रोफेसर साहब ललन प्रसाद जी, मैं पहले प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, वेतन बढ़ोतरी की इस तरह की मांग को, भत्ते के बढ़ने की मांग को, तमाम सांसदों की मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 2010 में इसके पहले इनका रिविजन हुआ था और अब ये 5 साल हो गए, तो ये तो ठीक है कि 5 साल में महंगाई बढ़ गई है और इनके भत्ते और सैलरी भी रिवाइज होने चाहिए। लेकिन इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और जितनी इन्होंने डिमांड की है, सैलरी में 100% का रिविजन कर दें और पेंशन में 75% का कर दें, मेरे ख्याल ये बहुत ज़्यादा है। और बाकी सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, प्राइवेट सर्विस में, सब जगह, तो क्या इस तरह का सैलरी रिवीजन और कहीं पॉसिबल है कि 100% रिवाइज कर दो आप, इकट्ठा डबल कर दो सैलरी? बड़ी चौंकाने वाली बात है, आप पहले ही सैलरी उठाते हैं और फिर उसके बाद तमाम सुविधाएं आपको दी जाती है, मिलाकर आपका आंकड़ा सैलरी का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें आप पूरा 100% का इजाफा। इसको हम अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन करें गीतांजलि जी, तो देखिए यूके में इस समय जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 79 लाख पर एनम इंडियन करेंसी में पड़ेगा, और अमेरिका में ये पड़ेगा कोई 125 करोड़ से थोड़ा कम ही पड़ेगा पर मंथ। और जबकि हमारी करेंसी की पैरिटी आप जानते हैं कि यूके करेंसी से हमारा 100 रुपये है, वो 100 रुपीज़ का एक पाउंड होगा, और अमेरिका से 63 रुपये का एक डॉलर पड़ता है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो जो ये डिमांड है इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इस समिति ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से 57 लाख सैलरी हो जाएगी साल की इनकी, जाहिर तौर पर एक बड़ा हम कह सकते हैं कि धनराशि जो है इन सांसदों के लिए फिक्स हो जाएगी। अभी ये 17-18 लाख रुपए पर एनम पड़ रहा है टोटल देखा जाए, और इसको 17-18 लाख से आप 57 लाख पर ले जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव है? और इस तरह से जनता को जब एक तरफ सरकार कहती है कि LPG पर छूट आप मत लो, आप ये छूट मत लो, सब्सिडी कम करना चाहते हैं और सब जगह कटौती करना चाहते हैं, ऐसी हालत में हमारे सांसदों को इस तरह की तनख्वाह दी जाए। और दूसरी एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि जो प्रिविलेजेस की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि जनतंत्र में ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे MPs को प्रिविलेजेस की बात एयरपोर्ट पर कही गई है कि उनको स्पेशल असिस्टेंस दिया जाए, ऐसा क्यों किया जाए? ये अपने आप को जनता से इतना आगे क्यों? आप कहते हैं कि आप जनता के लिए जीते हैं, आप कहते हैं आपका जीवन जो है समर्पित है जनता के लिए, लेकिन आप जनता से खुद को भिन्न रखने के लिए हर कार्य करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, नेता BJP भी हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद जी, इसमें ना दो बातें समझने की हैं, एक तो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और संसद में इस पे चर्चा नहीं हुई। सर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मांग तो रखी दी है ना, प्लीज मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एक समिति की रिपोर्ट है और समिति में सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं, ठीक है, और जैसे सर ने बताया कि जो लास्ट रिविजन हुआ था वो 2010 में हुआ था, आप यदि देखोगे तो 5 साल में आप कॉर्पोरेट में जाओगे या कहीं भी जाओगे या फिर महंगाई भत्ता भी लगाते हो तो लगभग मोटा मोटा 10-15% इंक्रीमेंट होता है। आप उसको यदि मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे तो ये भी 70-80% बैठता है आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि भाई इतना जितना डिमांड किया उतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन आप लॉजिकल देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, हाँ मैं जरूर ये मानता हूँ कि अगर इतना इंक्रीमेंट होता है तो जैसे कॉर्पोरेट्स में जैसे प्राइवेट जॉब्स में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, वैसे ही अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। कॉर्पोरेट जगत का मसला दूसरा हो जाता है, ये जनता के सेवक है। आप अगर आप कह रहे हैं कि उससे काम पे भी फर्क पड़ता है, काम और बेहतर होता है अगर इंक्रीमेंट मिलता है, क्या नेता तभी काम करेंगे, तभी बेहतर काम करेंगे? मैंने क्या जी? बोला कि उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए, वो भी जनता के सामने आनी चाहिए। अगर उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो वो और ज्यादा क्या अकाउंटेबल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बियर कर रहे हैं वो जनता के इंटरेस्ट में, ये भी होना चाहिए। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है कि बताए कि उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों मिलने चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि MP को एज अ पर्सन एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, बट एज अ MP क्योंकि उसके जो टाइम है वो आम जनता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है, उसको संसदीय कार्य करने होते हैं, इसीलिए उसका टाइम लॉजिस्टिक चीजों में ना लगे और वहां पे बच सके, इसलिए वो प्रिविलेज दिए जाते हैं। अगर उस प्रिविलेज का मिसयूज करके वो अपनी फैमिली के बेनिफिट में या पर्सनल यात्रा के दौरान उपयोग करता है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। होना नहीं चाहिए, रोक लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। तीसरा मैं बात बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी से सीख लेंगे। जैसे मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई LPG का सिलेंडर जो सक्षम है उनको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, वैसे ही MPO को भी जो सक्षम है उनको सैलरी नहीं लेनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा जो सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे भी MP हैं जो सक्षम नहीं है, जो बिल्कुल आम परिवारों से आए हुए हैं
और एमपी के भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के कारण उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनके घर पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, उनको एंटरटेन करना होता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना होता है, तो उनको भी खर्चा चाहिए। संजीव जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लगता है कि तमाम बातों से जो सक्षम है उनको छोड़ देना चाहिए, जो सक्षम नहीं है उनको सैलरी कैटेगरी बांट देनी चाहिए आपके अनुसार। जी खेमचंद शर्मा जी अभी बता रहे थे, इनकी एक बात से तो मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, जो कॉर्पोरेट से कंपैरिजन कर रहे थे, कॉर्पोरेट से तो आप बिल्कुल तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्योर है कॉर्पोरेट जगत अपना बिजनेस बढ़ा रहा है अपना काम वो, लेकिन ये तो एक सेवा वाला काम है, जनता सेवा नहीं करती नहीं, तो ये हाँ ये जो है इसको आप उससे नहीं कर। लेकिन दूसरी बात अभी आपने कही वो तो चलिए एक अच्छी बात आपने बोली कि कुछ ऐसा अगर सुझाव आता कि जो सक्षम है सांसद वो ना लें तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये समिति में ये जो अभी रिकमेंड किया है इसमें कोई इस तरीके की कोई सिफारिश नहीं है, लेकिन अगर ये होती तो वास्तव में ये समझ में आता कि नहीं हाँ ठीक है, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप फॉर्म में अपने डिक्लेयर करते हैं कि किसका क्या है, तो ऐसे जो लोग हैं सच्चा में वाकई उनको अपनी स्वेच्छा से नहीं लेना चाहिए, अगर इस किस्म का कोई लॉ जाता तो ये अच्छी बात होती। लेकिन दूसरा मेरा अपना मानना है कि अगर कुछ इस तरीके का भी आता, आपको तो सिर्फ सैलरी ही नहीं मिली दूसरी तरीके तमाम सुविधाएं भी तो मिलती हैं आपको, अलग से जो है जब सेशन चल रहा होता तब आपको भत्ता मिलता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भत्ता मिलता है, ऑफिस का मिलता है, निशुल्क यात्राएं का ट्रेन का और प्लेन का सब चीजें मिलती हैं, तो अब उसके बावजूद पहले ही जो सुविधाएं आपको और लोगों से बहुत ही बेहतर मिल रही हैं, आपका तो, जीवन यापन बहुत ही आसानी से चल तो, रहा है, आपको वो भी कम लग रहा है, ये सवाल मेरा ये मेरा तो अपना ये मानना था जिस प्रकार से आपने वहां पर कहा कि पेंशन इनका 75% बढ़ जाना चाहिए, तो मैं समझ रहा हूं कि जब तक वो सांसद है जिस समय तक तो उसकी ये जो 100% बढ़ाने की बात की तो 50% कम कर देना चाहिए, ये कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब सांसद वो नहीं रहेगा उसके बाद में तो समझ में आता है, क्योंकि दूसरी सुविधाएं उसकी कम हो जाती है तो ठीक है उसको पेंशन मिलती रहे वो, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में सांसद होने की स्थिति में उसकी सैलरी 50% कम कर दी जाती तब हम ये मानते एक मिनट, क्योंकि एक साल पहले जो व्यक्ति आया था वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था सभी से कि मुझे चौकीदार बनना है, मैं चौकीदार बन करके रहूंगा और मजाल है कि उस तिजोरी में कोई पंजा मार जाए मैं रक्षा करूंगा उस तिजोरी की। अब आज ये स्थिति जो आ रही है कि वो तिजोरी में पंजा कौन मार रहा है, कौन क्या करने का प्रयास कर रहा है, कौन नीचे से जो है उसको खोदने का प्रयास कर रहा है, ये देखने वाली बात है। अभी तो रिकमेंडेशन है, अब इसमें चर्चा होती, चर्चा होकर के ये प्रधान सेवक की जिम्मेदारी है कि वो क्या जो है फाइनल डिसीजन लेकर के आते हैं, ये देखने वाली बात है। मैं अपने मित्र को ये बता देना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली अभी एक जो समितियां होती हैं वो सर्व पार्टी समिति, मैंने वही बात कही ये प्रधान सेवक अब देखेंगे जब चर्चा होगी, समिति ने एक रिकमेंडेशन दी, बिल्कुल ठीक बात, आपके भी माननीय मेंबर हैं पार्लियामेंट, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उस पे नहीं उठाया है, जो आपने माननीय प्राइम मिनिस्टर को इस मुद्दे पे घसीटा है, माननीय प्राइम मिनिस्टर की बात तो तब आती है जब चर्चा होगी, और माननीय प्राइम मिनिस्टर इस पे अपनी बात उचित तरीके से नहीं रखते, उनसे अपेक्षा रखते हैं ऐसा हो अच्छी बात, अपेक्षा है, बिल्कुल अच्छे आदमी से ही अपेक्षा होती है, जो अच्छा आदमी नहीं है उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता, जैसे दिल्ली की सरकार है लोगों ने अपेक्षा रखी लेकिन अब सब टूट गई, तो अब उनसे कोई अपेक्षा रखता है तो इसी रखता है कि भाई कोई नया ड्रामा होगा या कोई नया रहता होगा, तो अच्छे आदमी से हमेशा अपेक्षा रहती है, आपने माननीय प्राइम मिनिस्टर से अपेक्षा रखी अच्छी बात है क्योंकि वो उनपे खरा उतरेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महंगाई का इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, रीजनेबल यदि इंक्रीमेंट होता है तो वो जरूर होना चाहिए, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वो एमपी हैं उनके हाथ वो एग्जीक्यूटिव हैं तो वो कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात लॉजिकल जरूर बिल्कुल मानती हूँ कि महंगाई का असर सबके जेब पर पड़ता है, चाहे वो एमपी हो चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, लेकिन उन एमपी का क्या किया जाए जो गाहे बगाहे इस तरह की टिप्पणियां भी करते हैं, इस तरह की बयानबाजी भी करते हैं कि महज 20 रुपए में एक आदमी का पेट भर सकता है, उन्हें 2000 रुपए पर डे मिल रहे हैं वो भी उन्हें कम लग रहे हैं। आपसे मैं बिल्कुल इस्तेफाक रखता हूं कि ऐसे यही सांसद हैं जिन्होंने इस तरह की बात की, ऐसे मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं कि कांग्रेस ने कही है बीजेपी ने कही है किसी अन्य दल से, मैं सहमत हूं कि जो ऐसे एमपी हैं वो धरातल से बिल्कुल दूर हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं कि गरीब, लेकिन ऐसा अगर फायदा होगा तो एमपी तक भी पहुंचेगा खेमचंद जी, उन एमपी तक अगर ऐसा होगा तो उन तक भी पहुंचेगा, मेरी अपनी पर्सनल राय है और मेरे को ऐसा लगता है जैसा माननीय प्राइम मिनिस्टर ने अपील करके लोगों से भी बोला और अपने सांसदों से भी बोला कि आप सब्सिडाइज सिलेंडर लेना छोड़ दें, तो वैसे ही ऐसे एमपीओं को ये बेनिफिट छोड़ देने चाहिए, ऐसी सैलरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी वो सक्षम है तो क्यों वो सरकार, ये काम सेवा का काम है,
और सेवा का काम दिल से किया जाता है। जी हम चर्चा वही कर रहे हैं कि सेवा का काम है, इसे कॉर्पोरेट जगत जगत से तोलना या उससे कंपैरिजन करना बिल्कुल सही नहीं है, अनुचित है। नहीं, आप इसमें दो चीज देखिए, एक व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन इसमें लगा रहा है और उसके पीछे कोई कॉर्पोरेट बैकअप नहीं है या फिर उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है या कंपनी नहीं है, तो उसका परिवार भी है। ऐसे भी हमारे बीच में कुछ एमपी है, चाहे वो बीजेपी के हो या दूसरी पार्टियों के, ऐसे परिवार। आपको लगता है कि जो तनख्वाहें मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, वो परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है? ना काफी बताना चाहे, वो 5 साल का पीरियड है और कई हालत में नहीं है। यदि आप ये बोलो कि उनके पास कोई और दूसरा साधन नहीं है तो कई बार स्ट्रगल होगा। ये लॉजिक मेरे ख्याल से ये कोई लॉजिक ये कोई लॉजिक नहीं है। खेमचंद जी, ये कोई लॉजिक नहीं है। जीवन यापन आप उस व्यक्ति का जीवन समझ सकते हैं? रिक्शा चलाता है, अपने बच्चों को भी पालता है, जहाँ कई कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारियां यूं की धरी की धरी रह जाती है, उसके जीवन यूं का यूं निकल जाता है। आप सुनिए, आज आज के डेट में प्रतिमा पाने वाला इंसान अपने लिए कहीं ना कहीं सोचेगा कि वो क्या करे आने वाले 5 सालों के बाद। की जॉब एमपी की जॉब फुल टाइम है, पार्ट टाइम जॉब नहीं होती, उसे रात और दिन समाज सर एमपी कितना काम करते हैं ये देश की जनता बहुत बेहतर जानती है। काम करते हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में से कितना वक्त अपने काम को देते हैं? बी पॉजिटिव कह देने से देश नहीं चल रहा। सभी एमपी खराब नहीं है, मैं सभी की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एमपी अच्छे हैं, सिस्टम चल रहा है, फायदा सरकार चल रही है। आपकी जबानी आपको पहली बार स्टेटमेंट में बोल दिया कि जो सक्षम है वो फायदा जाएगा, छोड़ देना चाहिए, जो सक्षम है उनको छोड़ देना चाहिए, अपने आप से छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको एक एप्रोप्रिएट सैलरी देनी चाहिए और एप्रोप्रिएट उनको इंक्रीमेंट तो सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ सारी सुविधाएं मिल रही है। 50,000 महीना एक व्यक्ति को मिलना 5 साल से, आप कंपेयर करिए, ऑन एन एवरेज जो महंगाई दर है वो 10-15% है। अब 10-15% महंगाई दर है, मैंने क्या कहा, दो तरीके के हमारे सांसद है, सक्षम और जो सक्षम नहीं है। आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो बहुत ही निम्न परिवारों से आते हैं, तो उनको एक उचित इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जो सक्षम है उनको ये फायदा नहीं जाना चाहिए, उनको या तो छोड़ देना चाहिए या फिर खुद को गवर्नमेंट को ऐसा। निगम जी कैसे ले रही हैं आप किंचन जी की बातों को? नहीं, देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि किसी को इसे नौकरी मिल गई हो। भाई नौकरी जिसने आप ज्वाइन किया है 25 वर्ष की उम्र में, वो लगातार निरंतर काम करता रहता है और 58 साल 60 साल में उसका रिटायरमेंट होता है। इसमें साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान लीजिए कोई 5 वर्ष के लिए सांसद बनकर के आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या सारा बेनिफिट एक ही बार उठा लेंगे। अरे अगली बार कोई और आएगा तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं आगे भविष्य खतरे में बन जाता है? वो जनप्रतिनिधि जब तक है तब तक ही उसकी जनता के लिए जवाबदेही नहीं होती, जब तक वो जिंदा रहता है जनता उससे एक्सपेक्टेशन रखती है, क्योंकि ये हमने एक बार चुन के भेजा तो उसको हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब क्या था, साफ है मेरा कहने का मतलब, जो सक्षम है उसको अननेसेसरी बेनिफिट नहीं देने चाहिए, उसको एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर ऐसे कुछ परिवारों से एमपी आते हैं जो सक्षम नहीं है, तो उनको एप्रोप्रिएट बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक खेमचंद जी की बात है कि जो सक्षम है उनको नहीं लेना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, वो वॉलंटरली अगर ऐसा कहें। कई सांसदों ने सब्सिडी छोड़ी भी है। जब कोई कानून बनेगा या जब कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी तो उस समय आप किसी को बाधे तो इसके लिए कर नहीं सकते कि आप ये फैसिलिटी लें या आप ये फैसिलिटी न लें, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, जहाँ तक जो आप कह रहे हैं कि इससे गुजारा नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ कि इससे कोई सहमत नहीं होगा। जो बेनिफिट्स एमपीज को आज की डेट में भी मिल रही हैं वो मेरा ख्याल है कुछ बिल्कुल ललन जी, मैं आपके पास से सहमत हूँ। और मेरा यही तो प्रश्न है कि 50,000 रुपए महीना मिलना आपको कम लग रहा है? 50,000 उस व्यक्ति को सोचकर देखिए जिसके लिए आप कहते हैं कि 20 रुपए में खाना खा सकता है वो। मैं आपको डेटा देता हूँ, 50,000 आपको 2,000 रुपए पर डे मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। 50,000 रुपए मिलता है, पानी फ्री मिलता है, 40,000 लीटर आने जाने की सुविधाएं मिलती हैं, विदेश यात्राएं मिलती हैं, विदेश यात्रा आपको फ्री मिलती है, आपको देश में जाने के लिए आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधा लेने के लिए आपके स्पाउस को मिलता है, आपके सेक्रेटरी को मिलता है, आपके सारे स्टाफ को पैसा मिलता है ट्रेवलिंग के लिए भी और स्टाफ रखने के लिए भी। इन सब चीजों को अगर आप कंपेयर करें और टोटल देखें जो बेनिफिट मिल रही है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत काफी बेनिफिट्स है जो एमपी डिजर्व करते हैं। और जैसा हम देखते हैं व्यवहार में कि पार्लियामेंट की सेशन चलते रहते हैं, आधी सीटें खाली रहती हैं, बिल्कुल खाली रहती हैं। जो एमपी हमारे इस तरह से व्यवहार करते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें 2,000 रुपए पर डे कम है, अलाउंस खाली 2,000 रुपए पर डे कम है, बाकी तनख्वाह और जो सुविधा हो तो सब अलग उनको दे रहे हैं,
अच्छा दूसरी जो नई बेनिफिट्स के लिए जो जो प्रोविजन मैंने देखा इसमें जो रिपोर्ट में किए हैं, मैं समझता हूँ दे आर ऑल एक्सेसिव। इस तरह से आपको आप पैम्पर न करें अपने विधायकों को और अपने सांसदों को इतनी बड़ी सैलरी देकर, जबकि आम जनता देखिए प्राइसेस से परेशान है, आमदनी उसकी कम है और डिमांड लोगों की कम हो रही है, चीजों की डिमांड, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, इकॉनमी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में आज के डेट में नहीं है, और उस समय आपके सांसद कहते हैं हमारी सैलरी 100% बढ़ा दो, 75% पेंशन बढ़ा दो, ये कोई जायज बात नहीं है। क्या कहेंगे किमचंद जी? मैं आती हूँ संजीव जी। देखो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मेरी अपील भी सरकार से भी और अपनी पार्टी से रहेगी, जो सक्षम एमपी हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, ऐसा या तो रूल बने। मांग कितनी जायज मांगते हैं आप, सक्षम और असक्षम को छोड़ दें आप सब, अब बस आप मुझे ये बताएं कि ये मांग कितनी जायज है ऐसे वक्त में जब देश किस तरह से महंगाई से जूझ रहा है, आम जनता परेशान है, देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें करना चाहिए, कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आपको लेकर आना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी बात अपनी जगह सैलरी बढ़ा दी जाए। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन एक काम जो 5 साल से नहीं हुआ है, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जब 5 साल से महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब वर्चुअली देखोगे उनकी सैलरी कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका घर नहीं चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कुछ एमपी पार्टी मेरे को बात समझे, मेरी बात स्थिर नहीं होती, जब सैलरी स्थिर है और 5 साल से महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब जो एज पर द इकोनॉमी स्थिरता मानते हैं तो फिर तो आप समझ नहीं रहे। सैलरी यदि कॉन्स्टेंट है और महंगाई दर बढ़ रही है तो जो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई है, 5 साल पहले आप जिस पैसे से ज्यादा खरीद सकते थे 5 साल बाद उसी पैसे से आप सारी फैसिलिटी तो मिलती है, आप क्या खरीदना पड़ता है? लॉजिकल खाली बेसिक सैलरी इनकी खाली खाली बेसिक सैलरी कांसेप्ट है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं लॉजिकल इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको यही कह रही हूँ सैलरी कांसेप्ट नहीं है, इनकी सैलरी बढ़ रही है लगातार, उनकी 5 साल से लगातार सैलरी बढ़ रही है, कैंटीन का खाना ऐसा मिलता है, खाने का खर्चा है, मकान का खर्चा है, पावर का है, बिजली का, पानी, कुछ सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खर्च करने पड़े आपको, कुछ इंटरेस्टिंग आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैं बिल्कुल वो फैक्ट जो सुनूंगी, इनकी जो फैसिलिटी है, इनकी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए है, यदि इनको कोई एयर फ्री मिलता है या इनको ट्रेन का फ्री मिलता है वो ऑफिशियल वर्क के लिए मिलता है, फैसिलिटी पर बात मिलता है तो ऑफिशियल वर्क के लिए मिलता है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भत्ता उनको नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सचेंज का तो खर्चा करना पड़ता है, फैसिलिटीज पर हम बात करेंगे, वाकई चर्चा का विषय है। मैं निगम जी आपके पास भी आऊंगी, काफी वक्त से आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये मांग जायज है, वो भी ऐसे वक्त में क्या ये मांग जायज है, क्या वाकई ये प्रावधान जो है वो रखा जाएगा और कितना इसको आसान होगा इसको क्लियर करना, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं ये आवाजें। जी हाँ, ब्रेक में भी यही चर्चा चल रही थी कि ये मांग कितनी जायज है और कितनी नाजायज। सबकी अपनी अलग अलग राय है। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जो जो मेहमान जुड़े हुए उनसे एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी, संजीव निगम नेता आप हमारे साथ मौजूद है, ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है। खेमचंद जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कुछ फैक्ट्स आप बताएंगे, कुछ तथ्य आप सामने रखेंगे। मैं चाहूंगी कि वो तथ्य आप सामने रखें। प्रोफेसर ललन प्रसाद ने जो बताया ये सारी फैसिलिटी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को तब मिलती है जब वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं। अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं है तो उनको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। ऑफिशियल ड्यूटी बियर करने के लिए चीजें दी जाती हैं। अगर वो अपने एरिया में दौरा कर रहे हैं तो उनको अलाउंस दिया जाएगा ताकि वो गाड़ी का पेट्रोल या फिर जो खर्चे हैं उनको बियर कर सकें। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो एमपी को जो फैसिलिटी दी जा रही है बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, और एज ए जनरल यदि हम पब्लिक से कंपेयर करें तो उनकी भी लाइफ ठीक ठाक चलनी चाहिए। बट हम दूसरे एंगल से देखें क्योंकि वो क्या है, पब्लिक फिगर्स होते हैं और एक बहुत बड़े एरिया को जो पार्लियामेंट सीट होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें लाखों लोग रहते हैं और उनको डेली सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, सैकड़ों लोगों को डेली सर्व करना होता है। तो उनकी फैमिली सिर्फ अपना परिवार नहीं होती बल्कि वो लोग भी उनकी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, उनकी दिनचर्या का पार्ट बन जाते हैं। उनको खाने में भी शामिल करना पड़ता है, उनको चाय पानी में भी शामिल करना पड़ता है। उनके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो उनको अपनी सैलरी में से करने पड़ते हैं। तो हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो सक्षम है उसको या डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्करेज करना चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय पीएम जरूर करेंगे। जैसे उन्होंने सब्सिडी सिलेंडर के केस में किया, लाखों लोग सामने आए, करोड़ों रुपए बचे, वैसे ही वो एमपीओ के केस में भी करेंगे। अगर वो खुद भी कुछ एमपी को इनकरेज करें कि वो अपनी सैलरी वॉलंटरीली छोड़ दें तो करोड़ों रुपए सरकार के बचेंगे, और जो सक्षम नहीं है उनको सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकें। इतना तो देश के लिए कॉन्सेंट्रेट सपोर्ट कर ही सकता है। देखिए, मैं अभी ललन प्रसाद जी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो है दूसरे देशों के बारे में तुलनात्मक बात कर रहे थे, तो मैंने भी जो है दो तीन देशों को जो मुझे जानकारी है, जर्मनी वहाँ के सांसदों को जीवन यापन करने के लिए मिलता है, कोई बहुत लमसम अट्रैक्टिव कोई लमसम हैंडसम सैलरी नहीं मिलती है। स्विट्जरलैंड में कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग अपने दूसरी जगह कहीं जॉब करते रहते हैं या कोई अपना बिजनेस हो, जिस समय सत्र चल रहा होता है उस समय उनको वहां से छुट्टी मिल जाती है और छुट्टी के दरमियान भी उनको वहां से वेतन या भत्ता वो मिलता रहता है जो भी कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ तो आपने किस तरीके का सिस्टम, ये रिकमेंडेशन ही नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन आदित्य योगीनाथ जो आपके भाजपा के सांसद हैं गोरखपुर से, वो इसको हेड कर रहे थे कमेटी को, उन्होंने उनके उसमें ये, अरे मैं समझ पार्टी वाइज ना ले, नहीं एक मिनट, मैं कह रहा हूं मैं सारी पार्टियों के सांसद हेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिपोर्ट आदित्य जी की नहीं है, ये रिपोर्ट एक मिनट एक योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है, जो मैं बात ना हूं जी ने हेड कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष के होने के नाते उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि इस तरीके का रिकमेंडेशन जो है जो आप ये करने जा रहे हैं, जो अब आपने कहा वो घर के लिए नहीं मिलती, वो ऑफिस के लिए मिलती है सब उनको सारी फैसिलिटीज। आप देखिए मैडम कि वाटर फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी 50,000 यूनिट तक साल के दौरान मिलता है, तो सवाल ये तनख्वाह आपको किस लिए मिलती है? किसी को, हम भी ऑफिस में आप काम करते हो तो तनख्वाह क्यों मिलती है? आप खाने भोजन की व्यवस्था, आपने रहने की व्यवस्था, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल के लिए, इसीलिए इसीलिए खड़ा करते हैं। जब ये चीजें आपको सब मिल रही है तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? मैं तो आदर्श, जो प्रधानमंत्री महोदय ने पहले कहा था आदर्श गांव हम बनाएंगे, हर जगह हर सांसद को गोद लेना चाहिए, मैं तो उस समय मानूंगा जब ये जो प्रधान सेवक है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जब ये कहे कि इस सैलरी को 100% बढ़ाने की बजाय इसको 50% कम कर दिया जाए, और उसके बावजूद ये कंडीशन लगा दी जाए कि जो सांसद सक्षम है वो इसको नहीं लेगा लेकिन इसको कम कर दिया जाए। हम 75% जो है पेंशन में तो ठीक है, उसमें बढ़ाया जाना ठीक है क्योंकि जिस समय सांसद नहीं होंगे उस समय उनको आवश्यकता रहेगी, वो भी ठीक, 75% ज्यादा है, 25% या 50% होता तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन ये सैलरी तो 100% कतई एक्सेप्टेबल है ही नहीं है किसी। इसमें फौरन ये इनकी जिम्मेदारी है प्रधान सेवक जी की कि ये इसको जब चर्चा के दौरान जब ये बिल सामने आए तो वहां इस तरीके का रखेंगे तो हम सारे लोग जो है जो भारत के नागरिक हैं वो समझेंगे कि कुछ हाँ वाकई जो है कुछ सेवा हो रही है देश की, अदरवाइज तो ये सिर्फ मिथ्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके भी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी इस पे कोई वॉइस रेज नहीं किया, उनको भी ऐसा वॉइस रेज करना चाहिए। मैं पूरी तरीके से ये मानता हूँ कि माननीय प्राइम मिनिस्टर इस पे अप्रोप्रिएट कदम लेंगे और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली
माननीय सांसदों को जरूर इंकरेज करेंगे कि बात वही है ना कि वॉलंटियरली प्रधानमंत्री हर एक बात में ये चीजें करेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या सांसद जी इसमें तो डाउटफुल लग रहा है इसमें डाउटफुल इसलिए लग रहा है क्या वाकई यही वक्त बचा था जब जब बिल्कुल बहुत बड़ी बात देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा इंडिविजुअल एमपीयू की भी है इंडिविजुअल एमपीयू की है उनको वॉलंटियर सामने आना चाहिए इंडिविजुअल लेवल की बात आप छोड़ दें इस समय तो बात कमेटी की हो रही हाँ। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी एक देखिए एक जो बात अभी खेमचंद जी ने कही कि जो महंगाई बढ़ती गई है 10% पर एनम के हिसाब से आप जोड़ लें ठीक है तो महंगाई में जो बढ़ी है तो वो सारी चीजें जैसे बिजली है पानी है मकान का किराया है और स्टाफ का खर्चा है ये सारा तो गवर्नमेंट दे रही है आपको तो जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे आपको उतना ज्यादा भत्ता मिल रहा है आपके भत्ते तो सारे बढ़ते जा रहे हैं जैसे अगर पहले एयर ट्रेवल पर 5 लाख रुपए आपने खर्च किया तो आज एयर ट्रेवल पर आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट आपको दे रही है तो वहाँ आपके लिए महंगाई क्या असर है जो हमारे एमपी हैं इनके लिए महंगाई का क्या असर है इनके तो सारी बेनिफिट्स फ्री हैं एक तरह से और बाकी रहेगी सिर्फ सैलरी जो 50,000 वाली बात है उसको बढ़ा दिया जाए ये बात मान सकते हैं ये करने से देखिए अगर परसेंटेज बढ़ा दीजिए अगर बढ़ाया जाता बाकी, है 57 लाख बाकी जो सुविधाएं बढ़ाने वाली बात है मेरे ख्याल ये बात आप विधायकों को या सांसद को जनता से और दूर ले जाने वाली बात है कि आप एक प्रिविलेज क्लास और क्रिएट करो कि जो आपको पहले प्रिविलेज मिलते उससे और प्रिविलेज मिले जबकि बाकी जनता सफर कर रही है आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है कि आप इस तरह से बेनिफिट खुद लो और जनता को डिप्राइव करो पहले ही जो फैसिलिटीज मिल रही है उसमें भी इजाफा चाहिए मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ बाकायदा अभी जो रिपोर्ट देखी है वो आपने देखी है जो चली है रिपोर्ट लेकिन मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहती हूँ कि आखिर सांसद क्या चाहते हैं मैं अपने पीसीआर के तमाम सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं कि आखिर सांसद क्या चाहते हैं कितना कुछ उनकी हम कह सकते हैं कि फरमाइशें हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं देखिए क्या चाहते हैं सांसद चाहते हैं कि सैलरी 100% बढ़ जाए पेंशन में 75% इजाफा हो जाए इसके अलावा चाहते हैं कि पार्लियामेंट सेशन भत्ते में इजाफा होना चाहिए जो 2000 भत्ता उन्हें मिलता है उसमें भी इजाफा चाहिए उन्हें और 20 से 25 मुफ्त घरेलू हवाई यात्राएं मिलनी चाहिए आप ये देखिए और खुद ही हवाई यात्रा नहीं चाहिए जो साथ में सहयोगी जाएंगे उनके लिए भी फ्री हवाई यात्राएं चाहिए पॉकेट मनी के रूप में कुछ राशि भी मिलनी चाहिए तो भाई आखिर कितना चाहिए सांसदों को आखिर क्या चाहते हैं सांसद एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा मिलनी चाहिए इस तरह की तमाम बातें कहीं और देखिए ये स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा उन्हें मिलती है उसमें भी कहीं ना कहीं बेहतरी चाहते हैं कितनी मांगे रख दी हैं कितनी डिमांड रख दी हैं कि शायद इसी बार जो मांग लेंगे वो हो जाएगा अन्यथा जो है ये जो डिमांड है ये फिर हमारी शायद नहीं मानी जाएगी ललन जी अब आप बताएं किस तरह से देख रहे हैं आप खेमचंद जी के पास तो मैं बाद में आऊंगी आप ट्रेवल एक्सपेंसेस भी उनको दे रहे हैं पूरा टिकट का खर्च दे रहे हैं इसके बाद ट्रेवल एक्सपेंसेस के बराबर आप उनको भत्ता दे रहे हैं पर डे इसका कोई रेशनल नहीं है जब आपको सैलरी मिल रही है आपको सारे खर्चे मिल रहे हैं 200 रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति भी अपने परिवार को चला रहा है सर ये तो 2000 रुपए पर डे मिल रहे हैं सांसदों को सैलरी मिल रही है अन्य फैसिलिटीज मिल रही है सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर भी जब ट्रेवल करता है तो ट्रेवल जो टिकट होता है उसका एक परसेंटेज माइनर परसेंटेज उसको ट्रेवल एक्सपेंस मिलता है यहाँ आप कह रहे हो 100% दो जितना टिकट है उतना आप ट्रेवलिंग अलाउंस भी उनको दो बिल्कुल अगर अगर एयरफेयर पर 1 लाख रुपए खर्ची तो 1 लाख रुपए उससे अलाउंस भी दो ये तो इसका तो कोई तुकी नहीं कि डिमांड करने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं तो इसमें जो रिकमेंडेशंस एयर ट्रेवल में है और जो रेलवे के ट्रेवल में है और जो बाकी इनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे स्टाफ के लिए आज कोई सांसद बीमार होता है वो फौरन आज की तारीख में इस तरह के डिमांड करना जनता के साथ सुविधाएं मिलती है जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है व्यक्ति से पूछिए जिसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है और वो मर जाता है आप जनता के लिए क्या सोच रहे हैं हेल्थ केयर में तो सोच रहे हैं हेल्थ केयर में इन्होंने 3 जनरेशन का दिया हुआ हमें सुविधाएं मिली है गीतांजलि जी हमें हेल्थ केयर में 3 जनरेशन का दिया है हेल्थ केयर में आपको आपके बच्चे को आपके बच्चे को सारे इंटाइटल्ड होंगे हमारे देश में कितने ऐसे उदाहरण है रोजाना जहां पता लगता है कि व्यक्ति को दवाई नहीं मिली है और उसकी मौत हो गई है उसका परिवार बिगड़ गया उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है आप ये बेनिफिट देना चाहते हैं 3 जनरेशन का तो आप आम आदमी को या आप गवर्नमेंट सर्वेंट को क्यों नहीं सीजीएस से देते तीन पीढ़ी इस तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग जो बेनिफिट एमपी को देने वाली बात की जा रही है मैं समझता हूँ ऐसा कोई तुक नहीं है और इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और सारे देश में इस पर बहस होनी चाहिए कि वास्तविक में
कितना अमाउंट इन लोगों को देना चाहिए एज ए सैलरी। और देखिए पेंशन की बात मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, अब अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में जो पेंशन मिलती है उनको, तो पेंशन के लिए तो एमपीज को अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन होता है, कोई नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन इतने बड़े धनी देश में भी नहीं होता। बताएं आप, और आप तो उनको कहते हैं कि ऐसी जनता का उनको 75% आप इंक्रीज कर दीजिए पेंशन। आप ऐसी जनता के जनसेवक हैं जहां पर आम व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाने के लिए भी पूरी तरह से अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा है, परेशान है क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है। 5 साल इन्होंने काम कर लिया, 20,000 रुपए महीने पेंशन मिलने लगे, उसके बाद अब कहते हो आप 75% बढ़ाओ, 35,000 रुपए कर दो उसको। जो मांग भी है बड़ी चौंकाने वाली है, इस तरह के 75% डिमांड का तो कोई अंत ही नहीं। अगर एमपी इस तरह का डिमांड करेंगे तो जितने सर्विसेज है उसमें भी लोग इस तरह की डिमांड उठाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस कमेटी ने एक और भी अच्छी रिकमेंडेशन की है कि कमेटी बननी चाहिए, वो कमेटी सारे एस्पेक्ट को स्टडी करे और उसके बाद वो रिकमेंडेशन दे। ठीक है, और जो कमेटी बनेगी, जैसे आपने देखा पे कमीशन बना, फिफ्थ पे कमीशन बना, सिक्स पे कमीशन बना, तो जो कमीशन बनता है वो सारे एस्पेक्ट पे स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देता है, फिर वो अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे या फिर पार्शल एक्सेप्ट करे। तो वो कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी को ये भी देखना चाहिए कि आम लोगों को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 साल में आपको जो मिलता था उसके कंपेरेटिव में आम लोगों का पैसा कितना बढ़ा, यदि आम लोगों का नहीं बढ़ा तो इनका भी नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इनको फैसिलिटी, जैसे ये कह रहे हैं कि हमें एयर फेयर जो है फ्री मिलना चाहिए पर्टिकुलर नंबर, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इनका एयर फेयर है वो इनके काम से फिक्स कर देना चाहिए। अगर ये काम से जा रहे हैं तो इनको मिलना चाहिए, लेकिन ये अगर काम से नहीं जा रहे हैं तो इनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, वो अपना पैसा। यानी कि आप मानते हैं ना कि जो मांग रखी गई है वो जायज नहीं है, वो नाजायज मांग है। कहीं नहीं, देखिए जायज और नाजायज में बड़ा फर्क है। मैं कह दूं कि नाजायज है ऐसा नहीं, लेकिन इसको काम से जोड़ देंगे। लेकिन सर आप अभी आप कह रहे हैं कि अगर यात्राएं हवाई यात्राएं काम से होती हैं तो वो जायज हैं, अगर नहीं होती है तो नाजायज है। लेकिन क्या आप मानते हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि सांसद केवल काम के लिए ही हवाई सुविधाओं का तो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि कई सांसद हमारे उत्तर पूर्वी उससे आते हैं पार्ट से, वो बहुत दूर का रास्ता है और उसमें उनको एयरफेयर चाहिए चाहिए, क्योंकि अगर वो दिल्ली आ रहे हैं मीटिंग के लिए या मिलने के लिए तो चाहिए चाहिए। लेकिन कुछ लोग दिल्ली के ही है या कुछ लोग सुविधाओं का क्या होता है, आप वही कह रहे हैं, कई सांसद करते हैं सुविधाओं का ऑडिटिंग होना चाहिए इनका प्रॉपर मांग रखी जा रही है। क्या ये जायज है, ये वाकई ऐसे वक्त में जायज नहीं है जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लोग मांग से ज्यादा इम्पोर्टेंट, मांग से ज्यादा इम्पोर्टेंट सोचना पड़ रहा है अकाउंटेबिलिटी आकर चलाए कैसे, कमाई के साधन नहीं है, नौकरियां नहीं है, आप जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा, एक पॉइंट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। सुविधाएं मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वो ऑफिशियल काम से भी जा रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या है, सर, रिजल्ट आएगा क्या? व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, देखिए यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण आज का देता हूँ, बताएं कि अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए उसका रिजल्ट जनता के लिए क्या आज आज पेपर में आपने देखा होगा, उनको अपने उनके जो ऑफिशियल वर्क है उसका आउटकम उनको जनता को पब्लिश करना पड़ेगा और तभी उनको ये इंक्रीमेंट मिलने चाहिए। अगर वो नहीं करते तो उनको बेनिफिट नहीं देने चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। बेनिफिट का दुरुपयोग सांसद और मंत्री और सारे लोग कर रहे हैं। अभी आज ही रिपोर्ट आई है गृह मंत्री का कि उनकी वजह से एयर इंडिया के फ्लाइट 1.5 घंटे गृह राज्य मंत्री किरण जी, अब आप बताइए कि हजारों आदमी सैकड़ों आदमी जो प्लेन पर बैठे हैं वो सबके सब डिले हो गए, तीन यात्रियों को उतार दिया है। आप जो कह रहे हैं आपको बताना चाहता हूं ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अपने आप में आपको बताना चाहता हूं ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका मिसयूज हो रहा है, ऐसी ऐसी सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। ऑफिशियल मैं नेशनल चैनल पे आपको बताना चाहता हूं ऐसी अफवाह माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए भी थी, लेकिन वो बिल्कुल गलत अफवाह थी। वैसे ही जो माननीय मंत्री के लिए उनको पता नहीं था, क्योंकि हमने इस बात को दरकिनार और इसके लिए केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है। कैसे दरकिनार कर सकते हैं किमचंद जी, तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं, बिजली के बिल, आज बिजली के बिलों की आप दशा देखिए, कितने कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों को भरना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद तमाम सांसदों को फैसिलिटी मिल रही है, चर्चा होनी चाहिए और नाजायज फायदे बिल्कुल एमपीओ को देने चाहिए। वही मैं पूछना चाह रहा हूं सर कि तमाम फैसिलिटी मिल रही है एक व्यक्ति को, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से पार्लियामेंट में नहीं लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। उस व्यक्ति को फिर भी वो तनख्वाह कम लग रही है,
लेकिन जब किसी गरीब जनता की बात आती है तो वो कहते हैं 25 और 20 रुपए में उसका पेट भर जाएगा, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक आदमी आराम से गुजारा कर सकता है। लेकिन जब आपके गुजारे की बात आती है तो 2000 रुपए पर डे का भी आपको कम लग रहा है। ये सवाल बना हुआ है, सवाल यही है कि अगर ये मांग रखी गई है तो फिर इस मांग को किस तरीके से रखा गया। आप देखिए, फैसिलिटी चाहते हैं, अगर वेतन भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो 100% पेंशन, 75%, हवाई यात्राएं ज्यादा चाहिए और अपने साथ जो जाएंगे उनके लिए भी चाहिए। ये तो कई ऐसी चीजें हैं जो मोटी मोटी बातें मैं अभी गिन रही हूं। इसके अलावा कई ऐसे 60 बिंदुओं पर इस पूरी समिति ने जो ध्यान है उसका केंद्रित है। अभी 60 बिंदुओं में और भी कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कहीं ना कहीं जनता को नागवार गुजरेंगे। अगर आप जनता से खुद को भिन्न रखेंगे, वो भी फैसिलिटीज के मामले में, तो सवालों के घेरे में तो आप आएंगे सर। जनता आपकी बातों को, आपकी जो मांग है इसको किस तरह से लेगी, इसके लिए, इससे आप अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मांग रखी है। निगम जी, आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो है वो इसके विरुद्ध है, इसके विरुद्ध आवाज भी उठाएगी, तमाम तरह की बातें आप कर रहे थे। आपका अब इस पूरे जो विचार अभी आपने खेमचंद जी के भी सुने हैं और ये जो पूरी मांगे आपने सुनी है, आप किस निष्कर्ष पर निकल रहे हैं? देखिए, अभी आज ही इसकी शायद अभी रिपोर्ट आई है, अभी कुछ दिन है ना, तो सवाल ये है कि अभी पहला दिन है, अभी इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये जो पार्टी लेवल पर तय होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो मैं अभी यहाँ पर ये चर्चा करना चाह रहा हूँ, अभी खेमचंद जी ने कहा कि साहब इनको नहीं मिलना चाहिए अगर ये काम नहीं करते तो परफॉर्मेंस में, आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब संसद नहीं चलती है, लोग हो हल्ला मचाते हैं तो अक्सर संसद का जो है स्थगन हो जाता है, तो उस समय जो इनको मिलता है वो चीजें नहीं मिलना चाहिए, कुछ इस तरीके का भी प्रावधान हो। पे अगर इस तरह की कैटेगरीज आप बांटेंगे तो फिर मेरे ख्याल से राजनेता होना ही बेकार है, बेमानी है। अगर आप कहते हैं कि मैं जनता के लिए बेहतर काम करता हूं तो मुझे ये फैसिलिटी दे दी जाए, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे डाउन। राजनेता का मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले का मतलब होता है कि जनता के लिए सोचना। जी, सुचारू रूप से काम चलेगा ऐसे। प्लीज अब बात समझिए, कंस्ट्रक्टिव होड़ लगती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एमपी कहते हैं कि मैं ज्यादा काम करूंगा, मेरे को ज्यादा फैसिलिटी मिले, उसमें कोई बुराई नहीं, और हमारा देश उसको सपोर्ट करता है। आप कह रहे हैं सर, नहीं मैं, आप कह रहे हैं जनता की तरफ से भी कह सकते हैं। भावनात्मक नहीं कहेंगे, और अगर ये भावनात्मक भी है तो इसमें गलत क्या है सर? जनता तो आम जनता नेता से भावना से भी जुड़ती है, जनता नेता से भावना से भी जुड़ती है। नहीं नहीं, एंगल कैसे, आप बताइए कि यदि कंस्ट्रक्टिव, यदि इस तरीके की दौड़ होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिव नहीं लग रही है, और जो डिमांड है वो बिना किसी काम की मेरे को ऐसा लग रहा है कि जनरेट की गई है। जो एक्स्ट्रा हवाई सुविधाओं के लिए बोला गया है वो जरूरी नहीं है बढ़ाना, अगर काम के लिए है तो बढ़ा सकते हो, और वो हमेशा ये तो वही बात हो गई ना खेमचंद जी, कि आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है तो ऐसे कर ले, वैसे ठीक नहीं है तो वैसे कर ले। मतलब क्या होता है चर्चा का, मतलब क्या होता है समझिए, चर्चा का मतलब क्या होता है? ये अभी एक प्रपोजल है, प्रपोजल पे चर्चा होगी, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, और इसमें चर्चा में ही तो माइंडसेट देखा जाता है ना सर। नहीं, जो चर्चा में माइंडसेट पता चलता है कि जो मांग की जा रही है आपके हिसाब से वो मांग अगर की जा रही है। गीतांजलि जी, आप सही कह रहे हैं, माइंडसेट देखा जाता है। जो आदित्य योगी ना आज इस कमेटी के हेड है, उनकी अध्यक्षता में ये चीजें निकल करके आई है, इसका साफ मतलब है। देखिए, अब आप चर्चा करके क्या निकालते हैं क्या नहीं निकालते, इस पे 100% से लेकर के आप 70% पे आ जाएंगे। और मैं अपने माननीय मित्र जो आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा दो बात बोलना चाहूंगा। माननीय मित्र की पार्टी के पास एमसीडी को देने के लिए सैलरी नहीं है, लेकिन 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे बता देने के लिए 526। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो गलत जनता को देने के लिए कोई पर्क्स नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 से ज्यादा अपने पार्टी वर्कर्स को पर्क्स दिए हैं, उनको घर की सुविधाएं दी हैं, उनको सैलरी दी है, चलिए जवाब लगा कैमरे पे जो बात आप कर रहे हैं ना, अपने लोगों को कुछ देते हैं। इससे जनता को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है उसमें जनता को पूरा भरोसा है, और माननीय प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से नाजायज तरीके से इसको बनने नहीं देंगे, नाजायज तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, सिर्फ और सिर्फ जायज डिमांड है वही मानी जाएंगी।
क्या केवल देश के प्रधानमंत्री ही इन सभी लोगों को कहेंगे तब इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता चलेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप सब्सिडी छोड़ेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री कहेंगे आप जनता के लिए सोचें तो सोचेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप सुविधाएं छोड़ें जनता के लिए ज्यादा सोचें तो आप सोचेंगे? ये जो रिपोर्ट आई है कमेटी की रिपोर्ट है और दुर्भाग्य की बात है कि इस कमेटी में सारी पार्टी के लोग हैं। इसका मतलब इसकी जो बैकिंग है वो सारी पार्टी के लोग हैं, सारे एमपीए चाहते हैं। अगर एमपीज नहीं चाहते तो उसमें कुछ लोग इसको कह सकते थे, विरोध कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं है। जिनका विरोध करते हैं क्योंकि आपको विरोध करना है, क्योंकि आपको संसद का समय जो है वो जाया करना है, क्योंकि आपको अपने विपक्ष को हराना है, उसे मात देनी है, आप उस पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक जायज बात पर आप सब लोग विरोधाभास नहीं दिखा सकते, क्योंकि सबकी जेब का अपनी बेनिफिट की बात आती है, सारे पार्लियामेंट मेंबर सभी फैसिलिटी का सवाल, पब्लिक की बेनिफिट की बात आती है तो वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ आम पब्लिक को सुविधा देने को तैयार नहीं है। कितने कितने जो अटक जाते हैं क्योंकि आप लोग एकमत नहीं होते हैं, लेकिन अब तमाम सांसद एकमत होंगे क्योंकि जेब की बात है, अपनी फैसिलिटीज की बात है, फिर जनता कहाँ है सर, कहाँ पर जनता रह जाती है? निगम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाई कहने की बात यह है, अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, अभी देखिए तो क्या सब काम प्रधानमंत्री से ही पूछ के किया जाता है? अभी मानवीय आधार पर सुषमा जी ने भाई कह रहे देश के प्रधानमंत्री ले लिया तो क्या उनको अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए? सवाल ये है कि ये जो एमपीज हैं जो इस कमेटी में अलग अलग पार्टीज के, अरे उनका भी दायित्व था, वो भी एक निर्णय लेकर के कोई इस तरीके का कोई कॉमन वो लेकर के आते तो समझ में आती बात। दूसरे बिल है, तमाम बिल आप देखिए कि अभी जो ये ऑर्डिनेट लाना पड़ता है किसान वाला, तो उसमें बार बार वो राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, ये आपका बिल आएगा ध्वनिमत से एक बार पारित हो जाएगा। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, ठीक है सारे लोग हैं मिले हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये तय किया है कि हम एक जो 65 साल से कानूनों का जाल चला आ रहा था, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं और आगे डिजिटल इंडिया तमाम 600 सांसद में से अगर 600 सांसद भी इसका विरोध करेंगे, 400 सांसद भी इसका विरोध करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिल पारित होगा। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इसको आगे बढ़कर इसमें की बात तो मैं समझ नहीं हूँ। ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सारे एमपी की जिम्मेदारी, आप विरोध अगर विरोधी पार्टियों को और ज्यादा करना चाहिए, आपको ये दिखाना कि जनता की आप सेवा कर रहे हैं, आप जनता की सेवा के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम जो वृद्धि हुई थी उस टाइम कुछ माननीय सांसदों ने, जिसमें बीजेपी के भी सांसद थे और कम्युनिस्ट पार्टियों के भी सांसद थे, उन्होंने वृद्धि का विरोध किया था, उसकी वजह से वृद्धि कुछ कम हुई थी। तो ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है जब ये पार्लियामेंट में आएगा तो हमारे जो बहुत ऐसे ईमानदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो देश हित में सोचते हैं और वो इसका विरोध करेंगे, जब विरोध होगा तो कोई भी नाजायज चीज पास ऑन नहीं होगी। लेकिन सर विरोध करेंगे जब आएगा, ठीक है विरोध करेंगे, अभी अभी लेकिन आज इस पूरे मसले पर किसी ने कुछ नहीं कहा, आज कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी पार्टियों के लोग थे, एक बात उठती है विरोधाभास के स्वर उठने लगते हैं, तमाम राजनेता अपनी बाइट देते हैं, कमेटी ने अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बात नहीं है, फाइनल इज नॉट अ रूल, और कमेटी का रिकमेंडेशन अभी पार्लियामेंट में रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी, और चर्चा में मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे बीच में अच्छे एमपी हैं और वो इस बात को उठाएंगे और कोई भी नाजायज मांग पूर्ण ऐसी इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी और उसको लागू नहीं किया जाएगा देश हित में। अगर ये इम्प्लीमेंट करवाने की मंशा नहीं होती सर तो ये मांग ही नहीं होती, मांग ही नहीं की गवर्नमेंट में ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो जनता के हित में नहीं है, वही काम होगा जो जनता के हित में है और पूर्ण चर्चा के बाद ही होगा, जो भी होगा वो जनता के हित में ही होगा और जो नाजायज मांग है वो किसी भी तरीके से किसी भी हालत में पास नहीं होगा। आपको भी लग रहा है मांग नाजायज है? चलिए अच्छी बात है, मेरे को भी लगता है अगर आप ये बात महसूस कर रहे हैं तो नाजायज है, कुछ जो डिमांड है वो ज्यादा है उनको कम करना चाहिए, जो एप्रोप्रिएट डिमांड है। कुल मिला के आप ये मान रहे हैं ना किंचन जी की ये जो तमाम मांगे हैं ये या तो जायज नहीं है या फिर कुछ ज्यादा मांग ली गई है? नहीं, आप भी यही कह रहे हैं ना सर, तो कुल मिला के वही है कि उचित या अनुचित, तो ये अनुचित मांगे हैं, पूर्ण रूप से चर्चा होना चाहिए, अनुचित कहना भी गलत है,
क्योंकि इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए उसमें पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो जिस तरीके से सामने टैक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, ये संयुक्त समिति ने निर्णय लिया होता कि आपका वेतन बढ़ाना है, हम इतना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, उसके बाद सांसद बोलते या नहीं बोलते वो एक अलग बात थी, लेकिन सांसदों की मांग है सर, ये मांग सांसदों की है। मेरे पास आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सरकार जागृत है, सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, और यदि सरकार बना भी देती है तो जनता जागृत है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, पार्टी पूरी सरकार में तो नहीं है, तो पार्टी के अपनी भी राय, और पार्टी की राय ऐसी है कि कोई भी इस तरीके से नाजायज फायदे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को नहीं देने चाहिए, तो पार्टी भी अपने तरीके से दबाव बनाएगी। तो मैं जनता को पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ, आश्वस्त रहें, कोई भी नाजायज मांग नहीं मानी जाएगी, नहीं इम्प्लीमेंट की जाएगी, और जो इनको बेनिफिट देने चाहिए उचित, सिर्फ वही दिए जाएंगे, अदरवाइज बाकी की चीजें नहीं दी जाएंगी, बाकी की चीजें नहीं दी जाएंगी, और बाकी की चीजें देनी भी नहीं चाहिए, और बाकी की चीजों की जरूरत नहीं है इन सांसदों को, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं, एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज की डेट में ये रिपोर्ट आने का क्या दुख है, वही अगर आपकी सरकार साल दो साल तीन साल कुछ परफॉर्मेंस दिखा के इसके बाद आप कहते हैं कि सांसदों की आप तनख्वाह बढ़ा दो, कुछ कर दो, तो बात और है। अभी तो सरकार में आए आपको 12-13 महीने हुए हैं, सरकार में आए अभी कितना नहीं है, जिन पर आपको आगे आप सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हैरान करने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब्सिडी छोड़े, वो लोग जो सब्सिडी जिन्हें नहीं लेनी चाहिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। भावनात्मक क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, भावनात्मक नहीं है, समझिए, फैक्ट है, आप प्लीज समझिए, अगर एक सांसद को एक मोटी सैलरी मिल रही है वो भावनात्मक नहीं है। संसद एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कमेटी बनती है, और सारी कमेटी को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है, ठीक है। ये कमेटी का काम ही ये है कि जो जो उनके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उनके जो पक्ष है, सैलरी है, जो उनकी फैसिलिटी है, उसकी देखरेख करना है या उसके बारे में रिकमेंडेशन देना है। एक साल ऑलरेडी संसद को हो चुका है, तो उनको कोई ना कोई रिपोर्ट देनी है, तो उनको कुछ ना कुछ तो सामने लाना ही है, तो ये उस आधार पर समझिए, उन्होंने मांग कैसी रखी कैसी नहीं रखी एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन क्यों रखी मैं उसका आंसर दे रहा हूं, क्यों रखी, क्योंकि ये एक रूटीन वर्क है, एक साल हो चुका है, उनको रिपोर्ट सामने लानी थी, आज नहीं तो कल लानी थी, नहीं आया भाई साहब, तो नहीं कि 5 साल बैठे रहे तीन में, उसमें भी आ जाता है कि ना कि इसके जो इतनी सब्सिडी मिल रही है ये ज्यादा है, कम मिलना चाहिए, ये भी रूटीन वर्क है, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, रूटीन वर्क है ना, फिर कमेटी बैठनी चाहिए, उसमें भी रिपोर्ट आती है। बात है कि अभी रिपोर्ट क्यों आई, उसका आंसर ये है कि रूटीन वर्क है, वो कमेटी बनी इसीलिए रिपोर्ट आई। हाँ, किस चीज के लिए डिमांड की गई, किस चीज के लिए डिमांड नहीं की गई, वो चर्चा का विषय है, ये डिमांड है, हमको भी लगता है कि कुछ ज्यादा है, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, कुछ चीजें ऐसी कैंटीन में सब्सिडी भी आपको लग रहा है ज्यादा है, जो सब्सिडी मिल रही है आप आदमी, मेरे को भी लगता है कि हाँ कि वो सब्सिडी यदि आपने ये तो माना नहीं कर रहे थे कि ये देश में भी खुलवा दिया, ठीक है या नहीं, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सरकार है कुछ दिनों में आम आदमी कैंटीन खोलने जा रही है दिल्ली में, मैं आपको जानकारी बहुत ही सस्ता विधानसभा में नहीं, केजरीवाल जगह केजरीवाल जी बहुत सारे कर चुके हैं, बिजली का बिल नहीं होगा, बहुत जल्द देखेंगे हम उसको, ये तो सब तथ्य आने वाले समय में साफ करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा यही था कि आखिर ये जो मांग हो रही है ये क्या वक्त है इस मांग को रखने का। और खेमचंद शर्मा जी जो नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने कई तथ्य रखे हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि इन तथ्यों को पूरी इन तथ्यों में कोई बहुत ज्यादा जान नहीं लग रही है सर, आपने तमाम बातें रखी है कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी इसलिए तमाम बातें शामिल कर ली गई, आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ मांगे जायज है, कुछ को नहीं करना चाहिए, कुछ सांसदों को लेना चाहिए, कुछ सांसदों को यह नहीं लेना चाहिए,
दो बातें हैं, एक सटीक उत्तर नहीं है कि देश की जनता अभी या देश इस हालात में नहीं है कि इन सांसदों पर और ज्यादा इनको इतनी फैसिलिटी देनी चाहिए, इनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, ना वो वक्त आया है सर, उचित वक्त है, और ना ये मांग भी जायज है मेरे अनुरूप। बाकी जो पैनल पर लोग थे शायद उस बात से वो भी सहमति रखते हैं, और आने वाले वक्त में खैर ये तय होगा। आप बिल्कुल ये भी सही आप कह रहे हैं किमचंद जी कि अभी ये प्रस्ताव रखा जाएगा, हो सकता है कि कुछ सांसद इसे एक्सेप्ट ही ना करें, हो सकता है कि सांसद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कहें कि हमें ये नहीं चाहिए, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव चलिए ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अगर इन मांगों को माना जाता है, तो आप एक बात मानकर चलिए कि देश की जनता जो आज अपनी दिनचर्या में जूझ रही है रोजाना कमाई से अपने खर्चे से, उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट नहीं करेंगे तमाम सांसद मेरे अनुरूप। खैर आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सांसद की मांग को किस तरह से देखा हमारे पैनल ने, अभी आपने देखा सबकी अपनी अलग अलग राय थी, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये राय सांसदों की एकमत होती है या इसमें विरोधाभास दिखता है, जनता के सामने एक उदाहरण सेट होता है या फिर जनता मुंह तकती हुई रह जाती है। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल। छोटा मोटा विरोध होगा।